चलो 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 जल्दी डोंट मिस आरती। चलो आरती आरती आप उनको आरती देख। चलो मित्रों शाम की आरती का टाइम हो चुका है। हम खड़े हैं श्री केदारनाथ पे, ये हमारे भाई खड़े हैं, इनके इनकी फोन से हम वीडियो बना रहे हैं। हमारा फोन तो मतलब लगभग डैडी हो चुका है, तो भाई अब आरती होने वाले कैसे फील कर रहे हो? बहुत ही फील अच्छा होने वाला, बहुत ही खास आरती के लिए हम नाइट आउट आज रुके हैं इधर। जिन चीज़ों को हम वीडियो में देखते थे आज तक, जो चीज़ को हम देख रहे थे वो चीज़ आज आज हमारे सामने है। एकदम स्वर्ग, जिसी ने कहा है कि केदारनाथ एक स्वर्ग है, सही में सच है एकदम। तो आप देखो क्राउड स्टार्ट हो चुका है शाम के समय की आरती। जिसके कारण से हिमालय पर्वत भी अब दिखना बंद हो गया है ना। तो मित्रों हम एक बात और शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। वैसे तो आपको सबको पता है जो केदारनाथ की बैक साइड है, हर दीवार पे घी लगा हुआ है। अभी मैं दर्शन करता हूँ, दिखा दो एक बार। ये देखिए हाथ पे घी लगा हुआ है, मत्थे पे घी। वो शिला कौन सी जिसने आया था वो 2013 में? 2013 में जो उत्तराखंड में आप सबको पता होगा कि क्या हुआ था, तो हमारे श्री केदारनाथ महाराज जी के मंदिर को जिस शिला ने बचाया था उस शिला को भीमशिला के नाम से बुलाया जाता है। तो आओ गाइस हम आपको भीमशिला दिखा। चलो भाई। सो गाइस हम आ चुके हैं भीमशिला के पास, हम आपको लेके चल रहे हैं। चलो हम आपको पास से दिखाएंगे। सो गाइस ये है भीमशिला, जो आप सबको मालूम होगी 2013 में उत्तराखंड में जो बरसात के कारण आई थी, जिन्होंने हमारे केदारनाथ मंदिर को बचाया था। तो फिर भी यार एक देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, नॉर्मल नहीं है ना। जब हम सेंटर से जस्ट आपके केदारनाथ मंदिर के अपोजिट में है, सेंटर से देखेंगे तो पता चलेगी। हाँ फिर भी यहाँ थोड़ा फील है, बढ़िया है। सेंटर में दिखेगी एकदम, तो ये खासियत है। ये देखो बिल्कुल सेंटर में रखिए, आप देख रहे हो बिल्कुल सेंटर में रखी है केदारनाथ के बिल्कुल अपोजिट।